बढ़ते आगे, जोशीमठ का बदला गया नाम, अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशीमठ। तो धामी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी, तो 12 जून को सीएम धामी ने की थी घोषणा, कैची धाम भी बना तहसील, तो कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर कैची धाम किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जोशीमठ का नाम अब बदल दिया गया है, अब ज्योतिर्मठ के नाम से जोशीमठ को जाना जाएगा। तो धामी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र ने भी मंजूरी दे दी है। 12 जून को सीएम धामी ने इसकी घोषणा की थी, केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद अब ये बदलाव जो है वो यहां पर देखा गया है। ज्योतिर्मठ का जो बोर्ड है वो भी लगा दिया गया है, तो जोशीमठ को अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा कैची धाम भी तहसील बनाया गया है, कोशिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर अब कैची धाम कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का नाम बदलने की काफी दिनों से मांग यहां पर की जा रही थी, लोगों में अब खुशी है, अब जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ होगा। लंबे समय से वहां के लोगों की मांग थी जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ किया जाए, ये चूंकि सभी संत समाज के लोगों ने भी, वहां के अन्य समाज के लोगों ने भी, धार्मिक संगठनों ने भी मुझसे अनुरोध किया था, मैंने उसको मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किया था, इसलिए उसमें एक साल से भी ज़्यादा का समय लग गया, लेकिन वो घोषणा पूरी हुई है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक हमारा वो स्थान है और भगवान नरसिंह जी का मैदान है, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और अब ज्योतिर्मठ उसका नाम होगा, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से कुशिया कोटोली जो तहसील होती थी, क्योंकि वो बाबा नीम करोरी का बड़ा स्थान है और वहाँ के भी लोगों ने उसके लिए लगातार उनकी मांग रही है, लगातार लोगों का ये मानना रहा है कि वो बाबा के नाम से होगा, तो वो बाबा के नाम से, नीम करोरी बाबा के नाम से उस तहसील का नाम हो गया। तो वहीं चमोली में भी ज्योतिर्मठ में की गई आतिशबाजी, तो मिठाई बांटकर भक्तों ने जाहिर की खुशी, शंकराचार्य महाराज के प्रति धन्यवाद भी ज्ञापित किया। तो आपको बता दें कि जोशीमठ का नाम बदलकर अब ज्योतिर्मठ हो गया है, इसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है, और आप चमोली से ये तस्वीर देख रहे हैं जहां ज्योतिर्मठ में आतिशबाजी कर लोगों ने मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान शंकराचार्य महाराज के प्रति भी अपना धन्यवाद लोग व्यक्त करते हुए नजर आए, उस दौरान की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं।